नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही है, साइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, यानी कि आपका क्वाड्रेंट आपने पढ़े ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़े हैं, उसमें साइन कॉस टेन सेक सेक कॉट इनके साइज कैसे कैसे क्या होते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो ले लेंगे क्वाड्रेंट बनाएंगे, लेते हैं। अब टी याद करने के लिए टी मीन्स टेन कॉट एज पॉजिटिव,
चेंज इनटू अदर रेशियोस। और कुछ रेशियोस चेंज होते हैं वो पॉइंट्स हम देखेंगे, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, रेशियोस आर चेंज इनटू अदर रेशियोस। तो कौन से रेशियोस किस में चेंज होते हैं पहले हम उनको देखते हैं। साइन कॉस में होगा, कॉस साइन होगा, ये आपस में इंटरचेंज होंगे। टैन कॉट में होगा, कॉट टैन में होगा, ये इंटरचेंज होंगे। तो सेक सेक में और सेक तो सेक। तो ये पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में। तो देखिए 90 माइनस थीटा किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये चेक करते हैं कि साइन उसमें जिस क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा है क्या उसमें साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन कॉस सेक कोसेक कॉट टैन सब कैसे हैं पॉजिटिव है। तो यहाँ पर पहले पॉजिटिव साइन बन गया। अब हम ये चेक करेंगे जो मैंने पॉइंट्स लिखाए थे कि 90 माइनस थीटा की रेशियो चेंज होंगे क्या। तो उसमें देखते हैं कि रेशियो चेंज होते हैं तो साइन किस में होगा, साइन होगा कॉस में, और पीछे का फिर ये वाला एंगल आ जाता है, कितना हो जाएगा थीटा। उसी तरीके से सेकंड देखते हैं, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। कॉस का रेशियो चेंज होंगे तो उसमें लिखा था 90 माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा, या आपके रेशियो चेंज होते हैं किसमें, अदर रेशियो में। तो साइन कॉस होगा आपका साइन थीटा। इसी तरीके से ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये होगा टेन थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब 90 प्लस थीटा देखते हैं। आप देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा किस तरीके से निकालेंगे। तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, अदर रेशियोस कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो साइन पॉजिटिव है, रेशियोस चेंज होंगे तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और पीछे एंगल आ जाएगा ये वाला थीटा। ये देखेंगे 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, रेशियो चेंज होंगे, कॉस चेंज होगा साइन में, तो साइन थीटा। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, टैन कैसा होगा वहां, नेगेटिव होगा, रेशियो चेंज किस में होगा, कॉट में। इसी तरीके से माइनस टेन थीटा, इसी तरीके से माइनस सेक थीटा, और ये पॉजिटिव होता है तो प्लस सेक थीटा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और रेशियोस चेंज होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि उस स्लाइड में लिखा था 180 प्लस माइनस थीटा रेशियोस आर नॉट चेंज। साइन थीटा ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं 180 प्लस थीटा देखेंगे। किस तरीके से होता है। नेक्स्ट है आपका साइन 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन कॉस सेक कोसेक होंगे, नेगेटिव होंगे, टैन कॉट आर पॉजिटिव। ठीक है, तो साइन 180 प्लस माइनस प्लस थीटा, तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव। रेशियो चेंज नहीं होंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा। 180 प्लस कॉस 180 प्लस थीटा कैसा होगा, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव कॉस थीटा, टैन कॉस पॉजिटिव होंगे तो ये हो जाएगा
ट्वेंटी नाइन बीटा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और वहां पॉजिटिव होता है साइन कि नेगेटिव होता है? ओ ये होगा नेगेटिव। रेशियोस चेंज होंगे तो साइन किस में आ जाएगा? कॉस थीटा। यहां थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा? नेगेटिव। रेशियोस चेंज होंगे तो साइन थीटा। टेन पॉजिटिव रेशियोस चेंज होंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा और ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा और ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। इसी तरीके से 270 प्लस थीटा देखते हैं। साइन 270 प्लस थीटा किसका होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस है पॉजिटिव, अदर रेशियो का नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव होगा। रेशियो चेंज होते हैं तो कितना हो जाएगा? कॉस थीटा ये पॉजिटिव होगा, साइन थीटा ये नेगेटिव, cot theta ये नेगेटिव, tan theta ये पॉजिटिव, तो sec theta और ये नेगेटिव हो जाएगा sec theta। अब हम देखेंगे 360 प्लस थीटा माइनस। अब हम चेक करेंगे sin 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा किस पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? cos sec पॉजिटिव है, अदर रेशियो का नेगेटिव है। और थर्ड हम ये चेक करेंगे 360 माइनस थीटा के जो रेशियोज हैं वो चेंज नहीं होते हैं, तो साइन कैसा हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा? माइनस प्लस कॉस थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस ये पॉजिटिव ही रहेगा सेक थीटा, वही हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। अब हम चेक करते हैं 360 प्लस थीटा के रेशियो। नेक्स्ट है साइन 360 प्लस थीटा, तो साइन 360 प्लस थीटा किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होते हैं और रेशियो इनके चेंज नहीं होते हैं, तो वही वैल्यू आ जाती है। इसका साइन थीटा, इसका कॉस थीटा, इसका टेन थीटा, इसका कॉट थीटा, इसका सेक थीटा और इसका इस तरीके से हम चेंज करेंगे। अब हम रेशियो देखेंगे प्लस माइनस थीटा। आप निकालेंगे साइन माइनस थीटा, ये इम्पोर्टेंट है इनको याद रखना। तो साइन माइनस थीटा इसमें आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और इनके रेशियो चेंज नहीं होते, तो साइन का साइन कॉस का कॉस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्योंकि कॉस थीटा इसमें क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस कोसेक थीटा और ये पॉजिटिव सेक। और साइन थीटा कॉस थीटा आप जो सेम पढ़ते हुए आए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। साइन पॉजिटिव थीटा ये बेटा ऐसे ही रहते हैं, इसके मान चेंज नहीं होते हैं, तो ये कॉस थीटा टेन थीटा, क्योंकि पेयर बनाने पड़ते हैं इसलिए साइन और माइनस और प्लस साइन साथ साथ रहने पड़ते हैं, इतना ही रहेगा। ठीक है, अभी तक हमने ये वैल्यू चेंज देखी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। अब इनके बेस्ड पर क्वेश्चन देखते हैं कि किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू।